मुझे माननीय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ साथ गुण अवगुण के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर नए जिलों के लिए 6 माह में अभिशंसक हेतु एक स्तरीय गठन करना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी मछली वालों तथा परंपरागत व्यवसाय जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं समग्र कल्याण हेतु लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन करना प्रस्तावित है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी भी दानदाता द्वारा यदि निःशुल्क अथवा सस्ती दर पर अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों हेतु खाने की व्यवस्था की जाती है तो सरकार द्वारा योजनाओं के संचालन के लिए बिजली पानी सहित निःशुल्क भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में स्वयं सहायता समूह के विस्तार एवं उनके सदस्यों की आय में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से 50,000 नवीन स्वयं सहायता समूह का गठन कर लगभग 5,50,000 ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तिवरी, ओशिया, जोधपुर, नाथद्वारा, राजसमंद व सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, बणियाना, पोखरण, जैसलमेर, शेरवा, बाड़मेर में अम्बेडकर छात्रावास, बेगू, चित्तौड़गढ़ में देवनाथ बालक छात्रावास, धौलपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास अवेकाबार रामचंद, बाड़मेर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। राज्य के समस्त राजकीय अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में मेज भत्ते की राशि को एक समान करते हुए 2,500 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमा के अंदर प्रस्तावित है। साथ ही में राजकीय छात्रावासों में मेज व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार हेतु आधुनिक उपकरण, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूँ। जन सहभागिता योजना के तहत राज्य की वक्त संपत्तियों के संरक्षण और विकास हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। आधारभूत संरचना में वर्ष 22-23 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल क्षतिग्रस्त तथा 3 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक स्वीकृति की घोषणा की थी। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए फीडबैक आधार पर अब मैं इसे संशोधित करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल सड़कें अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत करना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बाईपास सड़क पर बीच निर्माण कार्य हेतु DPR बनाए गए जाने प्रस्तावित कार्य है। मंडावरी लाल छोट दोसा बाईपास, डी कुंभेर में बाईपास का निर्माण, गुड़ा से जयपुर वाया किशोरी, शिगला, तिबारा, झीरी, आंधी, रामगढ़ स्टेट हाईवे 55, आंधी बाईपास 2.5 किलोमीटर का निर्माण, बादरा शहर हनुमानगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण, मीरता रोड नागपुर के रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में आरओबी का निर्माण हेतु DPR। प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण संबंधी विभिन्न विकास कार्य का यहाँ प्रस्तावित है। इस प्रकार है कपिल सरोवर कोलाहल के जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण के कार्यों के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सवाईमाधोपुर शहर में कोतवाली के पास से राजबाग लटिया नाले के एक तरफ सुरक्षा दीवार मय शीशी सड़क निर्माण के साथ पार्क में वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही हमीर सर्कल का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपये के व्यय होंगे। हिंडोली बूंदी की राम सागर झील का सौंदर्यकरण करते हुए साइकिल ट्रैक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 15 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। जोधपुर में क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान परिसर में वाकपथ परिसर का 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार